लास्ट टर्न पर पन्ने पड़ा था लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन के पहले प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो होती है लाइट रिएक्शन में अपना भोजन बनाते हैं पौधे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, अंधकार में यानी रात्रि में पेड़ पौधे कुछ अपना भोजन बनाते हैं। रात तो लाइट रिएक्शन कल हमने लास्ट टर्न पर पूरा समझा दिया था कैसे भोजन करते हैं, अब डार्क रिएक्शन पर शुरू होना है। लिखा है डार्क रिएक्शन को, इसमें तीन प्रकार की पौधे पाए जाते हैं डार्क रिएक्शन के अंतर्गत, जो रात्रि में वृद्धि करते हैं भोजन बनाते हैं, वो तीन प्रकार के पौधे होते हैं। एक होता है C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और CAM प्लांट्स। C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और CAM प्लांट्स। C3 में वे पौधे होते हैं जिनमें केल्विन विल्सन साइकिल द्वारा भोजन बनता है। केल्विन वैज्ञानिक थे कोई, CLVIN केल्विन विल्सन साइकिल द्वारा पेड़ पौधे रात्रि में विदाउट ऑक्स उसके सनलाइट के ये पौधे अपना भोजन करते हैं। दूसरा C4 प्लांट्स है जो दिया हैच एंड सिलेक्ट साइकिल, जो दूसरा चक है वो हैच एंड सिलेक्ट साइकिल है। तीसरा है CAM प्लांट्स, कैज्यूरेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, रेगिस्तान वाले नागफनी वगैरह वाले पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आज बात कर रहे हैं C3 प्लांट्स की, और C3 प्लांट्स में क्या है, कौन से, केल्विन विल्सन साइकिल। तो केल्विन विल्सन साइकिल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या है। 1954 में एम केल्विन ए विल्सन और इनके सहपाठियों ने इस क्रिया में कार्बन के मार्ग की खोज की थी, और इस पर 1961 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था कि हाँ आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सदा सत्य और सही है, इसलिए उन्हें उस पर भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कार्बन के इस मार्ग की खोज इन वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव प्रेशर विधि से की थी। जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उसमें रेडियो एक्टिव प्रेशर विधि का उपयोग किया था, और पौधा कौन सा था, ये कोशिकीय क्लोरेला। जो एक्सपेरिमेंट किया था एक कोशिकीय क्लोरेला शैवाल एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किया था। कितनी चीजें बताई, वैज्ञानिक का नाम, सन, नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस रेडियो एक्टिव प्रेशर विधि द्वारा परीक्षण किया गया था, और क्लोरेला जो शैवाल है एक कोशिकीय शैवाल है, क्लोरेला का बहुत महत्व है आगे चल के पता चलेगा भी सेकेंड ईयर में, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लोरेला के कैप्सूल बना के अपन लोग अंतरिक्ष में ले जाते हैं, ये कैप्सूल खा लिया और उसी से पूरी एनर्जी मिलती रहती है। तो ये बात की चीज है, क्लोरेला पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने C3 प्लांट्स की संरचना की थी। तो केल्विन एंड विल्सन साइकिल देखिए, अब ये चक्र है शुरू कहां से होता है, फर्स्ट स्टेज है रेग्नोस 1,5 बाई फास्फेट, समझते हैं आप, रेग्नोस 1,5 बाई फास्फेट पर से क्या बना, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये चक्र पूरा घूमता रहता है, भोजन बनाना अपन से दो रास्ता है, एक रास्ता से क्या है रीजनरेशन ऑफ रेग्नोस 5 फास्फेट, इसी की पुनरावृत्ति होती है में रेग्नोस 5 फास्फेट, ये तो चेंज होता जा रहा है, और इसके बाद रेग्नोस 5 फास्फेट से देखिए एटीपी जो ऊर्जा भरी हुई थी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है 1% एडीपी, क्या बन गया रेग्नोस 1,5 बाई फास्फेट। ये पूरा चक्र है, लेकिन अभी भोजन नहीं बना आपके पास, यहां से जो दो रास्ताएं दी थी 3 फास्फेट से तो ये बन गया था, कुछ जो है 3 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट
हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट को हमने यहाँ पर सिंबल दिया है, वही आगे की आपको नीचे बनाना है, क्योंकि जगह नहीं है इसमें, इसके नीचे बनाना है थ्री डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट पे क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, थ्री डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट से थ्री फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक के बाद एक चैनल बनता जा रहा है, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ये ग्लूकोज हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टो यही तो है सब, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, सुक्रोज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट सब बन रहा है जिनकी आवश्यकता है पौधों, ये चीज बन रही है। केल्विन बेसन साइकिल ने पहले ये चक्र चलाया और इसके बीच से थ्री डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से वही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। और इसको लिखते कैसे हैं अपन लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें प्रत्येक में न्यांश कार्य करेगा, जैसे पहले वाले में देखिए न्यांश की क्या विशेषता बताई दे रहे हैं, जैसे यहां पर न्यांश आएगा आपका फॉस्फोपेंटोकाइनेज, फॉस्फोपेंटोकाइनेज ये लिखोगे अलग कलर से, दूसरे में आएगा कार्बोक्सी डिसब्यूटेज, इस लाइन पर लिखोगे कार्बोक्सी इस वाली लाइन पर, ये दूसरा इन्यांश बिना इन्यांश के क्रिया संपन्न नहीं होगी, तीसरे में लिखना है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इसका लिखोगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज।